Hi guys, welcome back to our YouTube channel Lighthouse Academy, Easy Way of Learning. And this is the fourth and the additional video, bonus video about which I talked in the last video, which was the mathematics video. In this video, I am going to tell you about the way in which you can understand whether you are ready for JEE or not. So once again I would introduce myself. I am Rituparna और मैंने JEE Advanced 2020 में दी थी और मेरा selection IIT Bombay mechanical engineering में हो गया. So without wasting much of time, I think we should start our video. So देखो अगर तुम कोई chapter करते हो तो उसमें तुम्हें ये तो पता नहीं चलेगा ना कि तुमने एक concept तो पढ़ लिया है, तुमने book के question भी solve कर लिए, लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम JEE के लिए ready हो या नहीं. तो उस समय पे काम आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. लाइक अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो तो आई थिंक यू आर रेडी फॉर जेई. सो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि यार तुम एक जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेग्रीगेट करो कि वो कौन से टॉपिक को रिलेटेड है, और उसको फिर उस चैप्टर के होने के बाद यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन. एंड इफ यू गेट देम राइट, I think if you know the chapter really well, you can solve at most 99% or 90% of question at least. So I think that's the way you should understand or which you should study, and you should know, you will know whether you have you are ready for JEE or not. So there are lots of books available and I'm gonna tell you about some of those books. So सबसे पहले mains की बात करते हैं. This is the previous year 16 years solved JEE mains paper. This is not chapter wise the complete paper, but solution are given to all the papers. ये 2018 तक की book है. 2019 में कैसे हुआ था कि shift wise होता था paper, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक अलग book बनाई है. This in a 2019 there were lots of papers, so there is a different book for this, and this book is really good because इसके solution इतने detailed है कि तुम्हारा topic like revise हो जाएगा उसके वजह से पूरी तरह से. अगर तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हें लगता है कि उसमें तुम्हें डाउट है तो इसके सॉल्यूशन रेफर करो यार, तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा मुझे ऐसा लगता है. तो दिस टू बुक्स आर रियली गुड, आई थिंक यू शुड बाय देम फॉर जेई मेंस. जैसे मैंने कहा सेग्रीगेट करो क्वेश्चन को और चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो. दिस आर टू गुड बुक्स, दिस इज वन पार्ट. और ये भी दो बुक्स आते हैं. हाँ ये जो दो बुक्स है दिस आर चैप्टर वाइज नाउ, दिस आर फॉर till 2018 again, from 2002 all the papers chapter wise for physics and chemistry. as a maths ke liye bhi aata hai, chapter wise hai isliye easy bhi padega, lekin I think iske solutions utne detail nahi hai jitne in do books ke the, isliye aur 2019 ke papers na hone ke karan I think you should buy one of those book at least, and you can buy rather that one or this one, so you can decide that by yourself. ये तो मेंस के लिए हो गया. हाँ मैं सीईटी के लिए भी एक अरिहंत की बुक आती है, दिस इज एन एमएसटी सीईटी 12 ईयर पेपर. सो दिस इज आल्सो गुड बुक, इसको सॉल्व कर लोगे या तो तुम्हारा एमएसटी सीईटी में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा मुझे लगता है. सो दिस इज वन पार्ट. हाँ आई थिंक आई शुड टेल यू अबाउट बिटसेट एज वेल. ये बिटसेट का एक कंप्लीट स्टडी पैकेज आता है. बिटसेट ऐसे एग्जाम है जिसमें तुम्हें इंग्लिश और एप्टीट्यूड को भी चैलेंज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आई थिंक इफ यू बाय दिस बुक ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग इज क्लियर्ड. और ये एक बुक करने से तुम्हारा बिटसेट में भी बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, इसलिए बिटसेट के लिए कोई अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. बस इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस कर लो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी तुम इसमें से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारा उस बिटसेट लेवल के, मतलब बिटसेट इज इजियर देन जेई एडवांस. So if JEE Advanced is clear, then BITSET is clear. But still, if you want to know what kind of question BITSET asks, you can refer to this book. This is a good book. और फिर आता है ये 41 years and this one is 40 years earlier edition and this is till 2019. JEE Advanced and JEE Mains, all questions. So these are also really good books. इसमें मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चंस हैं. जो मैंने बुक्स अभी तक दिखाई थी उसमें सब में मेंस के क्वेश्चंस थे, इसमें एडवांस के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड है और चैप्टर वाइज है, तो मतलब तुम इसको भी अगर सॉल्व कर लेते हो तो यार तुम्हारा मेंस भी क्लियर हो जाएगा एडवांस भी क्लियर हो जाएगा. तो आई थिंक रादर देन बाइंग ऑल दिस बुक यू शुड बाय दिस बुक्स, बिकॉज इसमें मेंस और एडवांस दोनों भी क्लियर हो जाता है, तो वो बुक्स बाय अननेसेसरी बाय करने की जरूरत नहीं है. उससे अच्छा ये बुक्स बाय कर लो. ऐसा केमिस्ट्री के लिए बुक आता है, मैंने वो ली नहीं थी, बट दैट इज ऑल्सो रियली अ गुड बुक. तो तुम ये बुक्स तो खरीद लो मुझे लगता है. बाकी बुक्स अगर नहीं खरीद पाते हो तो एटलीस्ट ये बुक्स तो खरीद लो.
And the last thing I would like to tell you about is this one. This is a 14 years salt papers of IIT JEE, main and advanced as well. But more focus is on advanced. मतलब उसमें advanced के सारे papers solve किए गए हैं. इसके solution बहुत ही अच्छे हैं. Advanced के level पे questions, मतलब advanced के paper है तो of course advanced के level पे question ही रहने वाले. लेकिन solutions भी उसी level पे दिए गए हैं कि मतलब भाई अगर advanced का question है तो उसे कैसे attempt किया जाता है वो पता चल जाता है. और काफी अच्छी बुक है. 2006 तक के सारे क्वेश्चन है, 2019 तक के. सो आई थिंक दिस इज अ गुड बुक एंड यू मस्ट बाय बुक आई थिंक. एंड प्राइस इज आल्सो डिसेंट, सो यू कैन बाय दिस बुक. आई थिंक यू कैन, यू शुड बाय दिस बुक. सो आई थिंक दैट्स इनफ बिकॉज पेपर अटेम्प्टिंग चैप्टर मतलब जेई के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछले बुक्स में, पिछले वीडियोस में. और ये एक है जिसमें मैंने बता दिया कि आप जेई के लिए रेडी हो या नहीं ये पता करने के लिए ये बुक्स रिफर कर सकते हो. एंड आई थिंक इट्स डन आफ्टर ऑल कि लाइक इफ यू डू दिस करेक्टली. और जो मैंने पहले भी कहा था कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और जो बुक करते हो रिलीजियसली करो बस उतना काफी है. आई थिंक यू शुड, यू विल डू रियली वेल. एंड आई होप you would have liked this video, so please share this video and subscribe to my YouTube channel. And thank you. और मैं ऐसे ही वीडियो आगे पोस्ट करते रहूँगा. IIT बॉम्बे से आपको वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा. And I will try to motivate you as much as I can and help you as much as I can. So until next time, thank you.